देखिए, अभी तक हम लोग को जो प्रकाश में आई है चोरी की घटना घटी है। चोरी का जो है ये लोग बताए हैं कि जो बाजी है राजी जी, अभी लिखित आवेदन नहीं दिए हैं। लिखित आवेदन दे देने के बाद जो है हम लोग कुछ बिंदु पर जांच किए हैं, उन बिंदु पर जो है हमारे प्रकाश में आया है। हमारे यहाँ स्पेशल टीम भी आई हुई है, हम लोगों ने डॉग स्क्वाड भी मंगाया है, कुछ टेक्निकल एविडेंस भी कलेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जब वो सारे बिंदु आ जाएंगे तो फिर हम निष्कर्ष पर आएंगे कि घटना में कौन कौन संलिप्त है, उनकी गिरफ्तारी के लिए। हाँ, इसके उद्भेदन जल्द होगा, जो भी इसमें संलिप्त है उसको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। पहले भी बहुत सारा घटना घटी, हम लोग ने उसका उद्भेदन किया, इस कांड का भी उद्भेदन हम लोग जल्द करेंगे। सुबह रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे का जो है उसमें लोग, अज्ञात लोग 10-5 की संख्या में आए हुए, उनको बंद कर दिया बाहर से और इनका तिजोरी को तोड़ करके, रूम का ताला को तोड़ करके, माँ का जेवरात, परिवार का जेवरात और जो घर में कैश था उसको चोरों ने लेके चले गए हैं। और जैसे हम लोग को इन्फॉर्म हुआ, हम सुबह से यहाँ हाजिर हैं और माँ राजीव जी भी थाना को फोन पे, तो उसके बाद से सीमापुर थाना, परारी थाना, स्थानीय यहाँ के जो DSP है देवेंद्र कुमार जी वो, और फोन पे लगातार SP से बात हुई, IC से बात हुआ है। तो ये जान जाइए, जब जब कोई घटना प्लानिंग घटना घटता है ना, ये प्लानिंग चोरी है कि रुपया कैश और जेवरात कहाँ पड़ा हुआ है, ये प्लानिंग है ना, और लोगों ने वहीं से उठा कर चले गए। तो जब कोई चीज़ प्लानिंग हो तो इसमें थोड़ा सा इसको देख जाँच में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन ये जान जाइए ये हमारे जो SP हैं या ये की जो टीम है कटिहार में, साल भर से हम देख रहे हैं जो भी घटना तो घट रही है लेकिन लोग बच नहीं रहे। जो बड़ा सा बड़ा केस में उद्भेदन होता है और इस केस में, इस चोरी वाला केस में भी सुबह से सारे प्रशासन के लोग लगे हुए, पुलिस प्रशासन के लोग जल्द हो एकदम डॉग स्क्वाड टीम आई हुई है, FSL की टीम आई हुई है, जाँच परखा जा रहा है, सब तरह से सभी एंगल से देखा जा रहा है कि लोग चोर आए और कैसे गए, कुत्ता भी आया हुआ है। देखिए पूरा लोग दुखी है कि एक समाजसेवी के यहाँ चोरी हुई है, तो निश्चित हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसका रिकवरी होगा। और सुशासन वाल की राज है, सुशासन वाल के राज में भी यदि कोई चोरी घटना घटती है तो वो डिटेक्ट होता है। तो रात्रि में सब हम सोए, उसका 2:15 बजे उठे तो सारा चीज़ सब कुछ सही था। 2:15 बजे सोए हैं, उसके बाद सुबह 4:15 बजे जगे, 4:15 बजे जगने पर हम रूम खोले अपना, तो रूम मेरा बाहर से बंद था, फिर एक दूसरा दरवाज़ा था उससे निकल कर हम आए तो देखे कि नौकर वाला भी दरवाज़ा बंद था। फिर हम लोग नौकर को जगा के एक सीढ़ी, छोटी सीढ़ी से हम छत पर चढ़े तो देखते एक बड़ी सीढ़ी जो काम करने के लिए पहले से बना हुआ था वो आंगन में रखा हुआ था, उसी के द्वारा घर में लूटपाट हुआ है। हमारा और हमारे चाचा का दोनों का घर सब तोड़ा है।